हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 2 का पार्ट 8, और जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शंस क्या है बेसिकली। तो स्टेट लेजिस्लेचर का हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर क्या है, कि लॉ मेकिंग है, तो उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर का मेन काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का काम होता है। ठीक है, तो द स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने तीन तरह की लिस्ट पढ़ी थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है कि वो लॉज को मेंटेन करे और उनको बनाए, उनको मेक करे, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड और कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली हैव द राइट टू मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, उसका बेसिकली ये राइट होता है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड लॉज को बनाए। ठीक है, अब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है बाई कैमरल एंड यूनी कैमरल स्टेट। सो दो ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इज प्रिस्क्राइब फॉर द स्टेट्स, इट इज नॉट सो इन द मैनर ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर। वाइल द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो किसी भी, अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो उसके अंदर मेरे गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर आ जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेचर के अंदर भी क्या होता है कि एक बाई कैमरल बेसिकली सिस्टम को यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में था कि वहां पर दो हाउसेस थे, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरह से मेरे लेजिस्लेचर के भी दो हाउसेस हैं, जो कि क्या है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी है मेरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यही चीज मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बेसिकली अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, तो उनका फंक्शन क्या हो गया, उनका फंक्शन हो गया लॉ मेकिंग। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दो हाउसेज आते हैं जिनका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यही मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। वाइल इन द रेस्ट देयर शैल बी ओनली वन हाउस, नेमली द लेजिस्लेटिव असेंबली। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि कहीं पर कुछ स्टेट्स में यहाँ पर दो हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कुछ स्टेट में सिर्फ एक ही हाउस है, जो कि है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पहला हाउस जो कि है लेजिस्लेटिव असेंबली। सो द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पॉपुलरली इलेक्टेड चैम्बर एंड इज द रियल सेंटर ऑफ पावर इन अ स्टेट। तो इलेक्टेड चैम्बर का क्या मतलब है कि इस चैम्बर के अंदर जो भी मेंबर्स आएंगे वो इलेक्शन के बेसिस पे आएंगे, वो इलेक्ट होके आएंगे, और ये बेसिकली मेरी रियल सेंट्रल पावर होती है किसी भी स्टेट की, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अब इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए और मिनिमम 60 के नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज याद रखना कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 500 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं और 60 से कम नहीं होने चाहिए। बट सम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन अलाउड टू हैव स्मॉलर लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जाम्पल सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। अब कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 60 से भी कम है, तो वहां पर ये अलाउड किया गया है क्योंकि एज सच वहां पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो वो क्या हो गए, वो हो गए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में, मतलब वहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है। ठीक है, फिर है द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिमार्केशन शुड बी डन एज फार एज पॉसिबल सच दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट इज सेम ऑल ओवर द स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दीज जनरल प्रोविजंस देयर आर ऑल्सो स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमें इस तरह से बेसिकली रखना चाहिए रेशियो कि जो जितने भी, जो भी रेशियो आए, किसका रेशियो आना चाहिए, जो भी पॉपुलेशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पॉपुलेशन है उनका रेशियो, और बेसिकली उसमें कितने सारे मेंबर्स हैं, कितनी सीट्स एलोकेटेड हैं, जितनी सीट्स अलॉटेड होंगी पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए, उनका जो रेशियो आना चाहिए वो हर स्टेट में इक्वल आना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन बनाने चाहिए जिसमें SC/ST का भी रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब वहां पर किसी तरह का रिजर्वेशन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, लिखा है इनकेस द गवर्नर फील्स दैट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज नॉट एडिक्युरेटली रिप्रेजेंटेड, ही कैन नॉमिनेट वन मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी टू द असेंबली। मतलब यहाँ पर आप बेसिकली क्या कह सकते हो कि यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन का ही चीज है। जैसे कि क्या है कि हमने SC/ST का तो वहां पर कर ही दिया रिजर्वेशन कुछ स्पेशल प्रोविजन से। ठीक है,
उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी कम्युनिटी है, कुछ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? मेरे गवर्नर बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, वहाँ से जो लोग हैं वो नहीं यहाँ पर शामिल हो पाए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस केस में वहाँ पर क्या है कि गवर्नर अपना बोल सकते हैं कि आप पर्टिकुलर जो भी पर्सन है, जो भी मेंबर है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, वहाँ पर वो अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट कंप्राइजेस नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड इन नो केस लेस देन 40 मेंबर्स। देखो जैसे वहां पर क्या था, वहां पर एक वो दिया गया था कि 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी यही बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे, ठीक है, सपोज करो 100 है, ठीक है, एक एग्जांपल लो, तो उसका 1/3 से ज़्यादा, मतलब 1/3 ही हो सकते हैं मेरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और किसी भी केस में 40 से कम नहीं होने चाहिए। जैसे वहाँ पर 60 था, यहाँ पर 40 से कम मेरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स नहीं होने चाहिए। फिर हाउएवर इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर द स्ट्रेंथ इज ओनली 36, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 36 था, जैसे वहां पर भी सिक्किम और गोवा में 60 से कम मेंबर्स थे, ठीक है। फिर द सिस्टम ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल एज प्रोवाइडेड फॉर इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फाइनल। तो यहाँ पर जितनी भी कॉम्पोजिशन दी गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की, वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, वो अभी तक सही से मेंशन नहीं है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फाइनल एक लिस्ट नहीं प्रोवाइड करी गई है। फिर है द फाइनल पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन। जो फाइनल पावर दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ना देकर किसको दी गई है, मेरे यूनियन को दी गई है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले आता है मेरे लेजिस्लेटिव फंक्शंस। सो फंक्शंस में अगर हम देखें अपनी स्टेट लेजिस्लेचर की, सबसे पहला फंक्शन तो लॉ मेकिंग ही है, जो हमने भी देखा। तो इसमें क्या है, द असेंबली हैज द सोल राइट टू लेजिस्लेट, ऑल लॉज मस्ट बी पास बाय इट। मतलब लॉ मेकिंग में भी काम करेगा, उसके साथ साथ किसी भी लॉ को पास करने का काम भी किसका होगा, किसी भी लॉ को पास करने का काम मेरी स्टेट लेजिस्लेटिव का होगा, ठीक है। फिर व्हेन देयर इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर द ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउसेस। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में कोई भी पर्टिकुलर अगर बिल है तो वो किसी भी, इन दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद है, बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इज सेंट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैज टू पास इट और रिटर्न इट विद रिकमेंडेशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सपोज करो कि एक पर्टिकुलर बिल जो था वो मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने जब पास किया तो वो बिल गया मेरे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास अप्रूवल के लिए। अगर अब हो सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है या तो वो उसको पास कर दे, ठीक है, लेकिन ये भी केस हो सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको दोबारा भेज दे लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद कि पास कि आप इसको रिकंसिडर करो, आप इसमें और चीज़ें ऐड करो या फिर इसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है। If the legislative assembly passes that bill once again, either with recommendation of the council or without those, it shall be deemed to have been passed by both the houses. जैसे कि हमने financial power of राज्यसभा में देखा था कि money bill क्या था, कि money bill लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा के पास गया, 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा ने उसको अप्रूवल अपना नहीं दिया तो उस केस में वो होता है कि वो दोनों houses ने पास कर दिया है और वो वहाँ से पार्लियामेंट से पास हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, इस एस्पेक्ट में उसको ज़्यादा पावर मिली हुई है। एक पर्टिकुलर बिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा, सपोज करो कि उसको रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसको दोबारा भेज दिया कि आप इसको रिकंसिडर करो, ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको दोबारा भेज दिया है विदाउट किसी रिकमेंडेशन के, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं किए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो बिल है पर्टिकुलरली वो दोनों हाउसेज से पास हो गया है ऐसा लगेगा। सो एज रिगार्ड मनी बिल दीज कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे अब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा था, तो यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए समझ सकते हो कि यहाँ का लोकसभा जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है और राज्यसभा कौन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो जैसे वहाँ पर भी मनी बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते थे, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता था, उसी तरह से यहाँ पर भी मनी बिल सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। फिर आफ्टर द असेंबली पासिस द मनी बिल, अब यहाँ पर मनी बिल की बात हो रही है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक पर्टिकुलर मनी बिल को पास कर दिया, इट गोज टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैज टू बी पास और इट और रिटर्न द बिल टू द असेंबली विद इट्स रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि 14 दिन के अंदर अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपना डिसीजन बताना पड़ेगा कि या तो वो बिल को पास कर दें या फिर उसको रिटर्न कर दें। अगर जो असेंबली है मेरी
rejects the recommendation of the council, it will deem to have been passed. और जो recommendation basically suppose करो कि जो मेरा legislative council है उसने कुछ particular recommendation दिया कि आप इस bill में ये चीजें change कर दो, ठीक है? लेकिन legislative assembly के पास ये option है कि वो जो भी recommendation है उनको reject करते, तो उस case में भी जो bill होगा वो दोनों houses से pass हो जाएगा और once the bill is passed by legislature, it is sent to the governor for his action. ठीक है, और एक बार जब वो लेजिस्लेचर ने पास कर दिया तो उस केस में गवर्नर के पास वो चला जाएगा उनके अप्रूवल के लिए, जैसे कि वहां पर जा रहा था प्रेसिडेंट के पास उनके अप्रूवल के लिए. ठीक है, तो कुछ कुछ यहाँ पर आप उससे कंपेयर करके इजी समझ सकते हो. सो ही शी कैन नॉट विथहोल्ड द एसेंट ऑफ द बिल मनी बिल बट कैन सेंड बैक एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन और कैन रिजर्व एनी ऑफ द बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट. तो पर्टिकुलरली कोई भी मनी बिल आप क्या कर सकते हो कि उसको आप रोक नहीं सकते हो, आप उसको दोबारा भेज सकते हो. ठीक है, और जो ऑर्डिनरी बिल है उसको रिजर्व भी करके रख सकते हो कि आप वहां पर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना चाहते हो. ठीक है, तो ये सारी लेजिस्लेटिव पावर्स थी. दूसरा है मेरा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. तो जैसे इसको तुम ऐसे समझ सकते हो ना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह ही है कुछ कुछ, क्योंकि वहां पर भी एग्जीक्यूटिव का ही कंट्रोल, वहां पर हम लोग बात कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पर भी है. तो जैसे पार्लियामेंट अपना कंट्रोल जो था वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर रख रहा था, उसी तरह से यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर कीप्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विधानसभा कलेक्टिवली, इट रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. जैसे वहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, वहां पर क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में तब तक ही रहते थे जब तक उनके पास, जब तक जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो सही है, वो उनका कॉन्फिडेंस है उनके पास कि हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना काम सही से कर रहे हैं. उसी तरह से यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल है, विधानसभा को. ठीक है, और ये तब तक अपने ऑफिस में रहेंगे जब तक विधानसभा के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी हाउस के मेंबर्स हैं वो उनसे खुश है. फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिमूव विद द विधानसभा एडॉप्शन मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस. सिमिलरली जैसे वहां पर भी था कि अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया उस केस में पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव करा जा सकता है. मोर ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर कीप्स चेक्स ऑन द गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूवमेंट एडजर्नमेंट मोशन एंड कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस. इसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो गवर्नमेंट पे भी एक चेक रखता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं उनको चेक करता है और उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में बार बार इवैल्यूएट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इलेक्टोरल फंक्शंस. सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जब हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पढ़ रहे थे अपॉइंटमेंट और वो सब, तो हम लोग देख रहे थे वहां पर कि एक इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और इस इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है इसी के रिकमेंडेशन में मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है. तो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो ही मेरे इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेजेंट होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेसिकली इलेक्शन में मदद करते हैं. ठीक है, फिर द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा ऑल्सो इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट. तो जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को भी इलेक्ट करते हैं. उसी के साथ साथ मोर ओवर दे इलेक्ट 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ देयर ओन स्टेट. उसके साथ साथ जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/3 मेंबर जो होते हैं उनको भी इलेक्ट करने का काम मेरे विधानसभा के मेंबर्स का होता है. ठीक है, फिर है फंक्शंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्टेट लेजिस्लेटर का क्या रोल है. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट वेयर द स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाई द अमेंडमेंट. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर क्या होता है कि जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर हमें रेटिफिकेशन चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है आधी स्टेट्स की या फिर आधी स्टेट से ज्यादा की. आधे से कम स्टेट्स की यहाँ पर नहीं हमें चाहिए है, हमें आधी या फिर आधे से ज्यादा स्टेट्स का वहां पर हमें चाहिए होता है. उस केस में भी स्टेट लेजिस्लेचर ही यहाँ पर रेटिफाई करता है उन अमेंडमेंट्स को, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी इनका रोल आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कुछ और पावर्स जो इनसे अलग हैं. सो इट इलेक्ट्स द स्पीकर एज वेल एज डिप्टी स्पीकर, इट कैन ऑल्सो रिमूव देम बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो स्पीकर को बेसिकली यहाँ पर क्या है कि स्पीकर को नॉमिनेट करने का काम बेसिकली यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है, जिसको अभी के लिए हम लोग अगर ऐसे समझना चाहो तो लोकसभा को समझ रहे हो. ठीक है, तो लोकसभा में भी क्या था, मैंने वहां पर बताया था कि लोकसभा का काम क्या है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करना. उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी काम है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करना. उसके साथ साथ इनको ये रिमूव भी कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के. ठीक है,
और अभी हमने देख ही लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में भी ये प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये है। उसके बाद है, इट ऑल्सो कंसिडर्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाई एजेंसी सच एज ऑडिटर जनरल स्टेट। तो जो भी रिपोर्ट मेरी इतनी सारी एजेंसीज जो हैं जिसमें ऑडिटर जनरल है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर जितनी भी और एजेंसी है, अटॉर्नी जनरल है, उनकी सारी जो रिपोर्ट है उनको भी पूरी कंसिडर, उनको चेक करने का काम भी मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। हैंस इट इज एविडेंट दैट विधानसभा इज द पावरफुल एंड पॉपुलर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और इसीलिए यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जो एक इम्पॉर्टेंट हाउस है बेसिकली, वो विधानसभा है। फिर इट इज़ समवॉट पैरेलल टू द लोकसभा, जो मैंने बता भी दिया कि कुछ कुछ ये लोकसभा के ही तरह है, जो मैंने आप लोग को समझा दिया, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए याद कर सकते हो कि हाँ ये लोकसभा से ही रिलेटेड है, जो पावर्स लोकसभा की थी वहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की है, ठीक है। आई होप आप लोग को इलेक्ट्रिक साउंड में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।